तो आप चारों तरफ देख सकते हैं बड़े बड़े पत्थर है और क्या नज़ारे थे, पूरा पहाड़ जो ट्रैप मतलब इधर उधर घूमे ना तो एक एक सीन था जो काफ़ी बढ़िया था। काफ़ी गुफाएं थे, मतलब छोटा छोटा गुफा घुस भी सकते हैं नहीं घुस पर, बट हम लोग घुसे नहीं अंदर। और आगे भी आप मतलब देख सकते हैं, आगे का नज़ारा भी आपको दिखाएंगे, देखिए कितना बड़ा बड़ा पत्थर है। तो चलो आगे का थोड़ा सा और मतलब एक्सप्लोर करते हैं पूरा पहाड़ के ऊपर। तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग एक काफी खूबसूरत नज़ारे के पास आ चुके हैं। आई होप, देखते हैं, थोड़ा ठंड ज़्यादा है क्योंकि ऊपर का वातावरण काफी ठंडा है। और ये सबसे ऊंचा पहाड़ है जहाँ हम लोग जिसमें हम लोग हैं अभी। तो हम लोग अभी इस रास्ते से नीचे जा रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग अभी निकलेंगे, यहाँ से फिर से रोप से उतरेंगे। तो हम लोग अब नीचे आ रहे हैं क्योंकि ऊपर का एक्सप्लोर कर चुके हैं पहाड़ जितना, अभी नीचे थोड़ा बहुत घूमेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है और उतना भी भयानक भी है क्योंकि ये पर्वत बहुत ऊंचा है, पहाड़ है ना बहुत ऊंचा है। तो ट्राई आप लोग भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इसका एक काफ़ी अच्छा चीज़ है एक्सपीरियंस करने के लिए। तो हम लोग कुछ सोचे कि कुछ पी लेते हैं जूस वूस, तो यहाँ गन्ने का जूस मिला तो काफ़ी देखते लग रहा था टेस्टी। तो सब के लिए एक एक ग्लास मतलब इसको जितना पीना था सब के लिए लिए पहले, उसके बाद मैंने भी लिया। अब इसको टेस्ट करने का बारी है, तो पहले चलो इसको टेस्ट करते हैं। देख काफ़ी बेहतर है। तो आपको यहाँ की कैसा लगा? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, आप लोगों का मौका मिले तो आ जाइए, बहुत अच्छा लगेगा, घूमने का जगह बहुत अच्छा है। याद है कि यहाँ देवघर में है त्रिकुट पहाड़ के नाम से, बहुत फेमस जगह है। और ऊपर आप लोग देख ही चुके हैं वीडियो में, ऊपर काफ़ी काफ़ी बड़े बड़े पत्थर दिखाई दिए। तो अभी आप लोगों को बैक कैमरा से मेला के थोड़ा नज़ारा भी दिखा देते हैं।